अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू के न्यू स्पोर्ट्स शूज। मम्मी और चिंकी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। गट्टू पापा के साथ अपने नए स्पोर्ट्स शूज लेने गया था। कितनी देर हो गई है ना मम्मी, गट्टू कब आएगा? मुझे उसके नए शूज जल्दी से देखने हैं। बस आता ही होगा चिंकी, थोड़ी देर और इंतजार करो। तभी गट्टू और पापा घर आ जाते हैं। आ गए गट्टू तुम, तुम्हें पता है कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। देखो देखो चिंकी, मम्मी सब लोग नए स्पोर्ट्स शूज देखो। पता है चिंकी, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सनलाइट में कलर भी चेंज करते हैं। वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अलग है। आज तो गट्टू ने पूरे मार्केट में 2 घंटे घूमने के बाद अपने पसंद के शूज लिए हैं। तभी तो इतने अच्छे और स्पेशल शूज मिले हैं। चलो गट्टू, इन्हें अब संभाल के रख दो वरना गंदे हो जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी, मैं इन्हें बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दूंगा। इन्हें खूब संभाल के रखूंगा मैं और रोज साफ करूंगा। वेरी गुड। फिर गट्टू अपने शूज को शू रेक में सबसे ऊपर रख देता है और उसे एक पेपर से कवर भी कर देता है। देखा मम्मी, अब मेरे शूज बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। सब लोग गट्टू को देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद गट्टू सोने चला जाता है और चिंकी को खेलने जाना था। मम्मी मेरे शूज कहाँ है, मुझे खेलने जाना है। अरे चिंकी, तुम्हारे शूज तो मैंने आज ही वॉश कर दिए। एक काम करो, तुम गट्टू के शूज पहन के चली जाओ। ओके मम्मी, लेकिन गट्टू कुछ कहेगा तो नहीं ना? अरे नहीं चिंकी, तुम दोनों भाई बहन हो, तुम्हें आपस में अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए। जाओ तुम। फिर चिंकी खेलने चली जाती है और थोड़ी देर में गट्टू सोकर उठ जाता है। वो उठते ही अपने शूज ढूंढने लगता है। मम्मी मम्मी, मेरे शूज कहाँ गए? मुझे अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाने हैं। ओह, वो तो चिंकी पहन के चली गई है, बस अभी आती ही होगी गट्टू। लेकिन क्यों मम्मी? ऐसे नहीं कहते गट्टू, तुम्हें अपनी बहन के साथ चीजें शेयर करनी चाहिए ना। तभी चिंकी वापस आ जाती है। लाओ चिंकी, मेरे शूज दो, मुझे जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाने हैं। हाँ ये लो गट्टू। अरे नहीं, ये क्या? क्या हुआ गट्टू, शूज गंदे हो गए हैं क्या? गंदे नहीं मम्मी, फट गए हैं। देखिए चिंकी ने मेरे शूज खराब कर दिए, इसमें तो एक होल हो गया है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ चिंकी? वो मम्मी शायद खेलते वक्त गलती से लग गया होगा। सॉरी गट्टू, सॉरी मम्मी। चिंकी गट्टू से सॉरी बोलती है लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अरे गट्टू रुको तो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं करते बेटा। मम्मी गट्टू मुझसे बहुत नाराज हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी देखती है कि चिंकी भी रोने वाली थी, वो उसे समझाती है। परेशान मत हो चिंकी, ये तो ठीक हो जाएंगे, मैं गट्टू को समझा दूंगी। तुम जाओ, जाके अपना होमवर्क कर लो। अब चिंकी उदास होके चली जाती है और अपना होमवर्क करने लगती है। थोड़ी देर में पापा घर आते हैं और चिंकी उन्हें सब बताती है। पापा मुझे बहुत खराब लग रहा है, गट्टू के शूज अब नहीं सही हो पाएंगे क्या? क्या वो पूरी तरह से खराब हो गए हैं? अरे नहीं नहीं चिंकी बेटा, ऐसा नहीं है, चलो अभी चलकर हम उसके शूज ठीक करा लाते हैं। ये सुनकर चिंकी खुश हो जाती है और वो जल्दी से पापा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। हाँ पापा चलिए, गट्टू कब से नाराज है, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से फिर से खुश हो जाए और मुझसे बात करने लगे, वो ऐसे चुप चुप अच्छा नहीं लग रहा है। फिर चिंकी और पापा गट्टू के शूज लेकर कॉबलर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मी गट्टू के रूम में जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। अरे गट्टू अब कितनी देर और तुम ऐसे नाराज रहोगे, चलो उठो चलकर कुछ खा लो, मैंने सैंडविचेस बनाए हैं, आ जाओ। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं खाना है, चिंकी ने ऐसा क्यों किया? मैंने एक बार भी नहीं पहने थे अपने वो शूज और उसने उसे खराब भी कर दिया। इतना कहकर गट्टू रोने लग जाता है और मम्मी उसे समझाने लगती है। ऐसे रो नहीं गट्टू, पापा और चिंकी गए हैं ना तुम्हारे शूज ठीक करने। नहीं मम्मी, शूज पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, मैं जानता हूँ। मम्मी गट्टू को समझा ही रही थी कि तभी पापा और चिंकी भी रूम में आ जाते हैं। अब रोना बंद कर दो गट्टू, देखो तुम्हारे शूज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या सच में? हाँ आओ ये देखो। गट्टू अपने शूज देखता है
और वो बहुत खुश हो जाता है। वाओ, ये तो पहले से भी अच्छे हो गए पापा। हाँ गट्टू, हमने कॉबलर से कह के जहाँ पे होल था वहाँ एक जी की एम्ब्रॉयडरी करवा दी। अब तुम्हारे शूज पे तुम्हारे नाम का पहला लेटर भी है। अरे वाह, ये तो सच में पहले से भी अच्छे हो गए हैं। अब तो तुम खुश हो ना गट्टू। हाँ मम्मी, अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। तो गट्टू, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ चिंकी, कर दिया। फिर गट्टू अपने नए शूज पहन लेता है। मम्मी, मैं जाऊँ अपने फ्रेंड्स को ये शूज दिखाने? हाँ गट्टू बिल्कुल, लेकिन पहले कुछ खा तो लो। नहीं मम्मी, मैं अब दिखा के आता हूँ फिर खाऊंगा, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। ये जी कितना अच्छा लग रहा है मेरे शूज पे। अच्छा अच्छा ठीक है गट्टू, जल्दी आना। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ गट्टू। तो इसी तरह गट्टू अपने नए स्पोर्ट शूज को अपने सभी दोस्तों को दिखाता है और सबको गट्टू के शूज बहुत पसंद आते हैं और खासकर उसके शूज पे बना हुआ जी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें